आइए मैं आपको सिखाऊं 10 ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और जिसका ट्रांसलेशन थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आइए फ्रेंड देखें 10 सेंटेंसेस जिसे आपको अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है या सुनना पड़ता है। अक्सर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। तो अगर आपको कहना हो मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स, यानी मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। अगर आपको कहना हो लंबी चौड़ी बातें मत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट टॉक बिग। आप ये भी कह सकते हैं डोंट बोस्ट, यानी लंबी चौड़ी बातें मत करो। अगर आपको कहना हो बात बहुत बिगड़ गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, यानी बात बहुत बिगड़ गई। कई बार आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं हमारे बीच में बाता बाती हो गई या बहसबाजी हो गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, यानी हमारे बीच में बाता बाती हो गई या बहसबाजी हो गई। अगर आपको कहना हो बात पक्की हो गई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द टर्म्स आर सेटल्ड, यानी बात पक्की हो गई है। आप ये भी कह सकते हैं द टर्म्स आर फिनिश्ड, यानी बात पक्की हो गई है। अगर आपको कहना हो जहाँ तक उसकी बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सो फार एज हिज मैटर इज कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक उसकी बात है। आप ये भी कह सकते हैं सो फार एज ही इज कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक उसकी बात है। अगर आपको कहना हो यह हंसने की बात नहीं है या यह हंसने वाली बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज नॉट अ लॉफिंग मैटर, यानी यह हंसने वाली बात नहीं है। अगर आपको कहना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है या ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट अ ग्रेट मैटर, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है या ये कोई खास बात नहीं है। कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं मैं उसकी बातों में आ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स। अगर आपको कहना हो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज अ सीरियस मैटर, यानी ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कहना हो ये तो अजीब बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग, यानी ये तो अजीब बात है। अगर आपको कहना हो बात यह है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फैक्ट इज दिस, यानी बात ये है। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं द फैक्ट इज, यानी बात ये है। अगर आपको कहना हो एक बार की बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वंस इट सो हैपेंड, यानी एक बार की बात है। आप ये भी कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम, इन दोनों का मतलब होता है एक बार की बात है। अगर आपको कहना हो मुझे उससे बात हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड अ टॉक विद हिम, यानी मुझे उससे बात हुई, मैंने सभी बातों को उसके सामने रखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम, यानी मैंने सभी बातों को उसके सामने रखा। कई बार आप कहते हैं तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड यू, यानी तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आपको कहना हो मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड आर टू विद यू, यानी मैं आपसे एक दो बात कहना चाहता हूँ। कई बार आप कहते हैं बात मत बनाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट स्पिन यार्न, यानी बात मत बनाओ। अगर आपको कहना हो वह अपने बातों से मुकर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, यानी वह अपनी बातों से मुकर गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सभी सेंटेंसेस आपके बड़े काम के होंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।